बच्चों, इस वीडियो में हम तीन शब्दों वाले यानी तीन जो लेटर हैं उनसे बने हुए शब्द को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जो तीन लेटर से शब्द बनते हैं, तीन लेटर को जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं, इनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। का प्लस मा प्लस ला, तो इन तीनों लेटर को जब मिलाया जाता है तब ये बनता है कमल। का मा ला कमल, का मा ला कमल, तो ये हो जाता है कमल। इसी तरह से मा हा ला, तो ये हो जाएगा महल। न गा रा, ये हो जाएगा नगर। ख बा रा, ये बन जाएगा खबर। तो बच्चों, ये जो तीन इसमें लेटर हैं इनको जोड़ना है। जैसे खा प्लस बा, खब प्लस रा, खबर। तो खा बा रा बन जाता है खबर। इसी तरह से मा गा रा, ये बन जाएगा मगर। इसी तरह से नेक्स्ट है आ गा रा, तो ये हो जाएगा अगर। नेक्स्ट है ई गा रा, तो ये हो जाएगा इगर। तो यह आप देख रहे हैं कि इसमें तीन लेटर को जोड़ा गया है, यानी इसमें पहला लेटर हो जाएगा ई, दूसरा हो जाएगा गा और तीसरा हो जाएगा रा। तो जब इन तीनों को मिला देंगे यानी तीनों को जोड़ देंगे तब ये बन जाएगा इगर। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं ना हा रा, ये हो जाएगा नहर। पा हा रा, ये बन जाएगा पहर। तो बच्चों, आपने देखा कि इसमें तीन लेटर को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। जैसे अगर हम खुद से एक लिख के देख लेते हैं, जैसे पा प्लस लंग प्लस गा, तो ये बन जाएगा पलंग। तो इसमें क्या है बच्चों कि तीन जो लेटर हैं इनको जोड़कर एक शब्द को बनाया जाता है। यानी जो आप पलंग शब्द देख रहे हैं, ये तीन शब्दों को, तीन लेटर को जोड़कर इसको बनाया गया है। तो ये हमने तीन लेटर वाले शब्द पढ़े। बच्चों, आपको ध्यान रखना है इसमें तीन लेटर को यूज़ करके एक वर्ड बनाया गया है, यानी एक शब्द बनाया गया है। तो इस तरह से आप जो पढ़ेंगे तो इस तरह से आपको पढ़ना है, जहां आपको तीन शब्द मिलते हैं। पिछली वीडियो में हमने दो शब्द वाले, दो लेटर वाले शब्द पढ़े थे, इस वीडियो में हमने तीन लेटर वाले शब्द पढ़े हैं। तो बच्चों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको पढ़िए, सीखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे इसको सीखते रहिए।